हेलो गाइस आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारा सवाल मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव वंश इसका सेकंड पार्ट तो हमें इनपुट में एक एरे दे रखा है दैट ऑनली कंटेन्स जीरो और वन उसमें सिर्फ जीरो और वन एलिमेंट है और हमें के दे रखा है हमें क्या फाइंड करने है कि जो भी मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव वंस है जो भी वन साथ में खड़े हैं हमारे एरे में हमें वो फाइंड करने है हमारे पास एक स्पेशल पावर है वो पावर है कि जब जीरो है ना हम जीरो को फ्लिप कर सकते हैं बट कितने जीरो को के नंबर ऑफ जीरो? जीरो को हम के नंबर ऑफ जीरो को फ्लिप करके वन बना सकते हैं चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को तो हमें एक एरे दे रखा है तो मानते हैं कि ये हमारी एरिया कुछ वन जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो वन जीरो वन तो चलो मानते हैं ये हमारी एरे है हमें एरे दे रखा है और क्या दे रखा है हमें के दे रखा है तो ले लीजिए के हमारा टू है ठीक है अब हमें क्या फाइंड करना है हमें मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव बंस फाइंड करने हैं तो पहले देख लेते हैं कि वो होते क्या है कि मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव बंस तो जैसे कि ये तो दो कॉन्जिक्यूटिव वन है ठीक है बट हमें आप में हमने अपनी स्पेशल पावर यूज़ नहीं करी है हमारी स्पेशल पावर क्या थी कि हम के कॉन्ज के जीरो उसको वन बन बना सकते हैं तो हम बना के देखते हैं क्या होगा उससे इम्पैक्ट तो यहाँ पे जीरो है तो हमने इसको वन बना दिया इसको वन बन बना दिया के हमारा दो था ना तो हम दो को तो बना सकते ना तो हमने दो को वन बन बना दिया तो हमारे कॉन्जिक्यूटिव कितने हो गए इससे एक दो तीन चार पाँच पाँच

तो आई क्या करेगा आई ट्राइवर्स करेगा ठीक है और देखेगा कि अगर वन है तो मैं इसको इंक्लूड कर सकता हूँ अगर जीरो है तो के नंबर ऑफ टाइम तो मैं ज़ीरो को वन बना दूंगा ठीक है के नंबर ऑफ टाइम तो मैं उन जीरो को वन बना दूंगा और फिर मैं अपनी मैक्सिमम निकाल लूंगा ठीक है और अगर ज़ीरो अगर जो जीरो है वो के से ज़्यादा हो गए फिर मैं कुछ करूंगा कि मुझे पुराने वाले जीरो को एक्सक्लूड करना पड़ेगा चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले लेंथ कैलकुलेट करूँगा अपने हर आई में ठीक है अब देखते हैं हम लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे ठीक है अभी हम जीरो इंडेक्स पे एक काम करते हैं यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हमारे जो इंडेक्सेस है ठीक है क्या है यहाँ पे जीरो फिर वन फिर टू फिर थ्री फिर फोर फिर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन

डार्कर से लिख लेते जे बना लेता हूँ मैं ठीक है अगर मैंने यहाँ पे जे बना लिया और इसको मैंने कितना रख दिया माइनस वन ठीक है देखिए इस समय क्या हेल्प हेल्प होगी तो अगर मुझे लेंथ निकालनी है जीरो पे, और अगर मैं बोलूँ कि आई माइनस जे मेरी लेंथ है क्या ये सही है थोड़ा गौर करें इसको सोचिए मैं कह रहा हूँ कि हमारी लेंथ निकालने के लिए मैं कुछ नहीं करूँगा मैं सिंपली आई माइनस जे कर दूंगा ठीक है अब आइए माइनस जे से लेंथ निकालते तो हम जीरो पे स्टैंड कर रहे हैं तो जीरो माइनस माइनस वन माइनस माइनस प्लस होता है तो हमारी लेंथ आ जाएगी वन जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल सही है ठीक है लेंथ तो वन ही आएगी और अब क्या करेंगे आई को हम इंक्रीज कर देंगे ठीक है अब यहाँ पे जीरो आ गया तो हमें क्या देखना है हमें पता है कि हम दो जीरो तक ही वैलिड है दो ज़ीरो का हम वन बना देंगे बट दो से ज़्यादा नहीं तो उसके लिए मुझे काउंट रखना पड़ेगा कि कितने जीरो है तो उसके लिए मैं एक सिंपलिक वेरिएबल बना लूंगा उसका नाम मैं रख लेता हूँ ज़ीरो काउंट ठीक है जो हमारा इनिशियली ज़ीरो है अब मेरा आई यहाँ पे आया तो मैं जीरो काउंट को ज़ीरो से वन कर दूंगा ठीक है एक कर दूंगा और एक तो अलाउड है हमें पता है ठीक है मैं यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट करूंगा लेंथ वापस वन माइनस माइनस वन तो हमारी लेंथ आ जाएगी टू ठीक है अब मैंने आई को इंक्रीज किया वापस मेरा आई को इंक्रीज किया अब जीरो है तो मुझे जीरो का अकाउंट बढ़ाना पड़ेगा तो मैंने जीरो का अकाउंट टू कर दिया क्या यह भी वैलिड है हाँ ये भी वैलिड है बिकॉज दो का अकाउंट तो अलाउड है क्योंकि हमारा के दे रखा है दो फ्लिप करना अलाउड है तो यहाँ पे लेंथ निकालूंगा टू माइनस माइनस वन तीन आ गए ठीक है अब देखते हैं अब क्या होगा अब आई को इंक्रीज किया यहाँ पे आ गया तो अकाउंट तो जीरो है तो कुछ नहीं करेंगे इसको फोर कर देंगे क्योंकि ये तो इंक्लूड कर ही सकते हैं वन है ठीक है अब आई यहाँ पर आ गया तो हमारी लेंथ कितनी हो गई फोर माइनस माइनस वन फाइव अब अब देखते हैं आपको कुछ समझ आएगा जिसके मैं तब से वेट कर रहा था ये केस के लिए अब हमारा आई फिफ्थ इंडेक्स पे आ गया आई के फिफ्थ इंडेक्स आने से देखते हैं क्या हुआ आय के फिफ्थ इंडेक्स आने से जो हमारा जीरो काउंट है वो तीन हो गया क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो रखा है बट हमें ज़ीरो तो सिर्फ दो तक ही अलाउड थे तो हमें अगर इसको इंक्लूड करना है हमें किसी को एक्सक्लूड करना पड़ेगा समझ पा रहे हैं मेरी बात हमें दो जीरो अलाउड है हम दो जीरो को फ्लिप करके वन बना सकते हैं क्योंकि हमारा के दो है तो अगर मुझे अगर मुझे इसको इंक्लूड करना है तो मुझे पहले वैल्यू को एक्सक्लूड करना पड़ेगा ठीक है थीके? तो मैं वो कैसे करूंगा देखते हैं अभी हम ये दोनों जीरो को वन बना रहे हैं समझ पा रहे हैं ना अब अब मैं क्या करूंगा कि जो मेरा जे है मैं इसको इंक्रीज कर दूंगा कब तक जब तक जब तक मुझे जीरो नहीं मिल जाता ऐसा क्यों क्योंकि मुझे एक जीरो को एक्सक्लूड करना है तो मेरा जे यहां पे आया है वन है कुछ नहीं चलते रहूंगा अब जे जीरो है तो ये जे कर क्या रहा है ये जे ना एक बाउंड्री की तरह एक्ट कर रहा है कि जे मैं जे को तो इंक्लूड नहीं कर रहा समझ लो कि जे कैसे एक्ट कर रहा है मैं जे को इंक्रीज करते रहूंगा और जब जे जीरो पे आ गया तो जे जीरो आ गया तो मुझे जो तो काउंट है वो डिक्रीज करना पड़ेगा और टू हो गया ठीक है सही बात है अब अब हम वापस लेंथ निकालेंगे अपने फॉर्मूले से कितनी आ जाएगी फाइव माइनस वन जो कि है फोर और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये फोर ही लेंथ है सही निकाला है बिल्कुल अब वापस हम अपने आई को इंक्रीज करेंगे अब सिक्स इंडेक्स पे आए अब यहाँ पे भी जीरो है तो जीरो है तो जीरो काउंट हमने तीन कर दिया अब अब हमने देखा कि जो हमारा जीरो काउंट है वो तो कैसे बढ़ा है तो हमें क्या करना पड़ेगा एक जीरो को एक्सक्लूड करना पड़ेगा तो हम जे को बढ़ाएंगे जब तक वो जीरो पे नहीं आ जाता ठीक है तो जे यहाँ पे था और हमने एक बढ़ाया और जीरो आ गया तो हम मतलब हम इसको एक सल्यूट कर रहे हैं जे बाउंड्री की तरह हट कर रहे हैं ना अब इसकी लेंथ निकाली कितनी आ गई आई माइनस जे जो कि होती है आपकी सिक्स माइनस टू फोर उसी फोर लेंथ आ गई और ये बिल्कुल ना भूलिए जीरो काउंट को डिक्रीज़ करना ठीक है जीरो काउंट को, को जब जे को हमने जीरो पे पुट कराया ना तो ज़ीरो काउंट को माइनस वन कर दिया अब आई को इंक्रीज़ किया आई वन पे आ गया तो यहाँ पे हमने फाइव कर दिया ठीक है लेंथ कैलकुलेट करी सेवन माइनस जे सेवन माइनस टू डैट इज फाइव अब आप आई को इंक्रीज किया और इससे क्या इफेक्ट हुआ जो ज़ीरो काउंट है ना वो जीरो काउंट हमारा तीन बन गया तो ज़ीरो काउंट अगर तीन बन गया तो हमें क्या करना पड़ेगा अपने जे को जे को जे हमारा यहाँ पे था यहाँ पे तो हम जे को तब तक चलाते रहेंगे जब तक जीरो ना हो जाए ताकि हम एक जीरो को एक्सक्लूड कर कर पाए अगर एक को इंक्लूड करना है तो जे यहाँ पे आया वन है जे यहाँ पे आया वन है।, हाँ है और जे यहाँ पे आ गया ज़ीरो मिल गया हमें जीरो में प्लेस कराना था बिल्कुल सही बात है तो अब हम इसकी लेंथ निकालेंगे कितनी आएगी एट माइनस फाइव दैट इज थ्री ठीक है और फिर हम क्या करेंगे जे को हमने जीरो में पुट कराया ना तो जीरो काउंट को हम टू कर देंगे डिक्रीज कर देंगे एक से ठीक है अब वापस आई को इंक्रीज किया आई नाइन पे आया यहाँ पे वन है तो सिंपली नाइन माइनस फाइव दैट इज फोर तो हमारे जो मैक्स लेंथ है यहाँ पे फाइव आई तो फाइव हमारा आंसर बन जाएगा इस केस में तो यही किया हमने जो डिस्कस करा वैसे ही सिमिलर कोड होगा अब इसको कोड करते हैं ठीक है ठीके? तो हमें क्या क्या चाहिए था हमें एक जे चाहिए था जो कि हमारा इनिशियली माइनस वन था ठीक है हमें काउंट चाहिए था कि हमारा कितने जीरो है अलाउड हमें कितने हैं कितने के है कितने के वैल्यू है और क्या चाहिए था हमें मैक्स वेरिएबल लिख लेता हूँ जो हमें मैक्स आंसर देगा कि मैक्स लेंथ कितनी है मैक्स कॉन्जिक्यूटिव वंस की लेंथ कितनी है अब मैंने सबसे पहले क्या किया मैं काम कर देता हूँ इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ क्लियरली दिखे सबको मैंने लूप चलायांट आई इज इक्वल टू तो जीरो आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस एरे डॉट साइज आई प्लस प्लस ठीक है अब मैं सबसे पहले चेक करता हूँ एरे ऑफ आई इज इक्वल टू ज़ीरो अगर जो वैल्यू है जो एरे के इंडेक्स पे अगर जीरो रखी है तो मुझे क्या करना है आप बताइए क्या करना है आपको पता है मुझे जीरो काउंट को इंक्रीज़ कर देना है सिंपल ठीक है फिर मैं चेक करूंगा कि अगर जीरो काउंट है वो केस से ज़्यादा तो नहीं हो गए कि के नंबर ऑफ लिप्स अलाउड है ना अगर ज़्यादा हो गए तो मुझे एक को एक्सक्लूड करना पड़ेगा तो मैं जे को इंक्रीज करते रहूंगा तब तक वो जीरो पे ना पहुंचे जब तक वो जीरो पे ना पहुंचे तब तक मैं उसको एक्सलूट करते रहूंगा इंक, इंक्रीज करते रहूंगा ठीक है चलते रहूंगा और अगर जीरो पे पहुंच गए मतलब मैंने उसको एक्सलूट कर दिया और मैं जीरो काउंट को डिक्रीज कर दूंगा ठीक है तो मैं लूप से बाहर आया और मैं लेंथ कैलकुलेट करूंगा अपनी मेरी लेंथ कितनी होगी मेरी लेंथ होगी हो सिंपल आई माइनस जे जैसे कि मैंने डिस्कस किया और मुझे क्या चाहिए मुझे मैक्स लेंथ चाहिए तो मैक्स लेंथ कितनी हो जाएगी मैक्स ऑफ मैक्स लेंथ और मेरी करंट लेंथ ठीक है और मैं लास्ट में रिटर्न कर दूँगा मैक्स लेंथ ठीक वही मुझे अपना आंसर में पुट कराना था ठीक है अब एक काम करते हैं अपने कोड को रन करके देखते हैं ठीक है ऐसा कुछ हमारा कोड था बहुत सिंपल कोड था जैसे कि आप देख सकते हैं सेव्ड भी हो गया अब इसको सबमिट करते हैं परफेक्ट अब मैं क्योंकि ओवरव्यू व्यू करने जाऊंगा कि हमने करा क्या है हमने j इक्वल टू माइनस वन किया ताकि हम उसकी कॉन्जिक्यूटिव लेंथ कैलकुलेट कर पाए और मेंटेन कर पाए जो अपने जीरो आएंगे एक जीरो काउंट कि हमें जीरो तो k नंबर टाइम्स ही अलाउड है ना और मैक्स लेंथ मैक्स लेंथ निकालने के लिए हमने ट्रावर्स किया अपने एरे पे अगर जीरो वैल्यू थी हमने जीरो काउंट बढ़ाया फिर हमने चेक किया जो जीरो काउंट है वो के से ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि के जीरो से लाउड थे अगर ज़्यादा थे तो हमें उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा तो हमने क्या किया जो अपने जे का जे था उसको इंक्रीज कर दिया और उसको जे ने हमारी बाउंड्री की तरह एक्ट किया पुराने जीरो को एक्सक्लूड कर दिया ठीक है फिर हमने लेंथ कैलकुलेट करी और इवेंचुअली जो हमने मैक्स लेंथ निकाली और मैक्स लेंथ रिटर्न कर दी तो यही था इस वीडियो के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी बहुत सिंपल क्वेश्चन था तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना थैंक्स फॉर वॉचिंग